हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं लोकपाल के बारे में। ठीक, तो आपको बता दें पीसी घोष जी को पहला लोकपाल चुना गया है। इनके पीसी घोष के बारे में पहले देख लेते हैं। पीसी घोष का पूरा नाम है पिनाकी चंद घोष। इनका जन्म हुआ 1952 में। इन्होंने अपनी कानूनी संबंधी पढ़ाई कोलकाता से पूरी की थी और साल 1997 में यह कोलकाता हाई कोर्ट में जज बने। दिसंबर 2012 में इन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस पद पर रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिसमें AIADMK की पूर्व सचिव शशि कला को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाना भी शामिल है इसमें। 8 मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर उनकी पदोन्नति हुई थी। ठीक है, 27 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद के पश्चात यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़ गए थे। अब लोकपाल क्या है इसे देख लेते हैं। लोकपाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा की गई है। भारत में लोकपाल 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया। लोकपाल के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री सहित सभी लोक सेवक आएंगे। लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी सेवकों के खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ याद रखिए कि लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और लोकायुक्त रहता है राज्यों से संबंधित। और लोकपाल रहता है राष्ट्रीय, मतलब पूरे भारत के। चलिए आगे देखते हैं। लोकपाल बिल की बात कर लें तो ये 9 बार लोकसभा में पेश किया गया, जब जाके 2013 में यह पास हुआ। 1968 से इसकी बात चल रही थी। ठीक, 68 में किया गया, 71 में, 77 में, 85 में, 89 में, 98 में, 2001 में, 2011 में, 2013 में, अब आके इसे सफलता मिली हुई है, बहुत कोशिश की। ठीक, आगे बात करते हैं, अन्य देशों की बात कर लें। लोकपाल में देशों में लोकपाल तो कई देशों में लोकपाल को ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में 1809 में और फिनलैंड में 1918 में, डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे में 1961 और ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक, स्वीडन में 1809, फिनलैंड 1918, डेनमार्क में 1954, नॉर्वे में 1961 और ब्रिटेन में 1967 में। ठीक, आपको बता दें कि अन्ना हजारे का योगदान बहुत रहा है इसमें लोकपाल को। उसमें किशन बाबू राव हजारे एक भारतीय समाजसेवी हैं, अधिकांश लोग उन्हें अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। सूचना के अधिकार के लिए कार्य करने वालों में वे प्रमुख थे। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अन्ना ने 16 अगस्त 2011 से आमरण अनशन आरम्भ किया था। ठीक है, तब जाके नैया फार मिली है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोकपाल की संरचना की बात कर लें। नियमों के अनुसार लोकपाल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए। इनमें से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं होनी चाहिए। लोकपाल का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक, यहाँ याद रखने वाली ये चीज़, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो 5 साल तक रहेंगे या 70 साल तक के लिए, जो भी पहले हो उसी के हिसाब से। ठीक, 5 साल या 70 साल तक आयु इनकी, 70 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। लोकपाल के चयन की बात कर लें तो लोकपाल चयन का 5 सदस्यीय समिति को करना होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक
एक विख्यात कानूनविद शामिल था। आपको यहाँ बताना है कि विपक्ष में अभी कोई 2014 में किसी को इतनी 10% सीटें नहीं मिली लोकसभा में, इसलिए विपक्ष में कोई नेता नहीं है, तो इसी के कारण अभी लटका हुआ था ये विधेयक। इस बार पीएम समेत इस चयन समिति में कुल 5 सदस्य थे, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, नेता विपक्ष और जाने माने कानूनविद मुकुल रोहतगी सदस्य थे। विशेष लोकसभा में पर्याप्त संख्या न होने की वजह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रतिनिधि मल्लिका अर्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं।